हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस सेटिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर के अगले कुछ घंटों की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोचेंगे, क्या कुछ फील करेंगे। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, जितना पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप वो सालों से महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करना है, ठीक है। अगर आपको ब्रेसलेट भी लेना है आपको सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। तो ये आपके पार्टनर के अगले कुछ घंटों की फीलिंग्स है। यहाँ पर रिसेप्टिविटी है, गोइंग विद द फ्लो है, कॉम्प्रोमाइज है, हारमनी है। नंबर 6, 10, 1, 1 आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है। हम चेक करते हैं कार्ड से, यहाँ पे क्यों है, गोइंग विद द फ्लो, यस। यहाँ पे जस्टिस आया है, हारमनी, 3 ऑफ वैंड्स। तो आपके इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टीज इशू बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर जैसे कि थर्ड पार्टीज़ को मतलब बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। डेफिनेटली आपके आपके पार्टनर टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ का मकर राशि, एरीज और सैजिटेरियस मेषिंग धनु राशि के हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि के, ठीक है। नंबर 1, 11, 3, 10 और 6 आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है। इस वक्त आपके पार्टनर का ध्यान कंप्लीट आपके और है। अगले कुछ घंटे ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा इनका पैशन बढ़ने वाला है। या तो कहीं पे ट्रैवलिंग पे गए या तो जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इनके बैक ऑफ द माइंड सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड सेंटर में है, जो कि यही शो करता है कि ये आपके इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस तो चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अगले कुछ घंटे कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे, आपके साथ इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना, मतलब कि इनको बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, ऐसा इनको लगता है। कॉम्प्रोमाइज़ ये हो सकता है, या तो इनको किसी रिलेशनशिप को छोड़ना पड़ेगा, या तो किसी और के अपोजिट जाना पड़ेगा, या तो घर वालों का दिल तोड़ना पड़ेगा आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। इनको बहुत ऐसा कुछ करना पड़ सकता है, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन चाहे जो हो जाए मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा और मैं इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक करूँगा, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड यही शो करता है कि इन्होंने डेफिनेटली आपके साथ कुछ गलत किया होगा, और जिस बारे में कि इनको जस्टिस देना ही देना है, मैं जस्टिस दूंगा, मैं सब कुछ ठीक करूंगा। आपकी करंट में जो भी सिचुएशन चल रही है आपका, मतलब ऑन एंड ऑफ झगड़ा, थर्ड पार्टीज इश्यूज जो चल रहा है, उन्होंने करंट में स्वीकार कर लिया है। क्योंकि अगर इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना भी है तो इनको कुछ प्लानिंग करने पड़ेंगे, उस हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसे अभी के अभी वो कर नहीं सकते, ऐसा इनको लगता है। गोइंग विद द फ्लो यही शो करता है कि जैसे जैसे इनके दिमाग में प्लानिंग आएंगे, जैसे जैसे इनको शो होगा कि मैं ये कर सकता हूँ जिससे कि सब कुछ ठीक हो सकता है, वैसे वैसे वो उन कदमों पे चलकर आपके पास पहुँचेंगे। फ्लो के साथ वो आएंगे। सौरव का कार्ड है, वो बहुत डरेंगे अगले कुछ घंटे आपको खोने से, बहुत ज़्यादा डरेंगे। इनको लग रहा है कि यस, मैंने डिले तो बहुत किया है, इससे ज़्यादा अगर डिले करता हूँ तो शायद मैं इस तरह से हालत में चला जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं जीते जी, जैसे कि होता है ना, इनको बुरे साए बहुत ज़्यादा दिखते हैं, इनको डरावने सपने भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये उन सपनों से डर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि मुझे इन सपनों से, इन आवाज़ों से, चीखने चिल्लाने से, इनके अगर आपने बहुत ज़्यादा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के इनको कुछ बोला है ना, ये आवाज़ इनको बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, रात को इनके कानों में बसती है, और जो कि इस आवाज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो ये इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन ये करंट में आपके लिए जो भी करना चाहते हैं सोच समझ कर करेंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा खोने से डरेंगे अगले कुछ घंटे। इनको लगेगा कि अगर मैं इसी तरह से फ्लो के साथ जाता हूँ, उनको डिले करता हूँ, तो शायद ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। सोच रहे आने के बारे में, हारमोनी चाहिए इनको। और जैसे कि किंग ऑफ फैंस का कार्ड यही शो करता है कि अगर आपके इस रिलेशनशिप में इनके घर वाले थर्ड पार्टी है, तो ये अपने घर वालों के अपोजिट जाने के लिए मतलब कि हिम्मत बना ही नहीं पाते हैं। सोचते बहुत ज़्यादा है, मैं बनाऊँगा हिम्मत, मैं घर वालों के अपोजिट जाऊँगा, मैं जैसे कि इससे शादी करूँगा, इसे अपना बनाऊँगा। आप इनके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड आप इनके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यू चलते रहते हो, शादी भी करनी है, लेकिन जो हिम्मत है घर वालों के अपोजिट जाने की, वो इनके अंदर आने में टाइम लगेगा इस तरह से। तो इनको लगता है कि शायद इतना डिले ना हो जाए कि ये पर्सन मुझसे जैसे कि चला जाए, तो ये आपको खोने से तो बहुत ज़्यादा डरेंगे अगले कुछ घंटे।
लेकिन यस इतना तो है कि इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, पॉजिटिव सब कुछ करने की इच्छा है, आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी इच्छा है, सिर्फ करंट में जैसे कि सोच रहे हैं, ठीक है, इनको एक बार ये रास्ता मिल जाए कि ये क्या कर सकते हैं, वो उसी वक्त आपके पास आ जाएंगे। और व्हील ऑफ फॉर्चून यही शो करता है कि आपके इस रिलेशनशिप में सब पॉजिटिव होने वाला है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है, आपके हार्मनी है, हार्मनी मतलब कि टेन ऑफ कप्स शादी का कार्ड ही होता है, तो आपके पार्टनर भले करंट में अभी कुछ नहीं कर पा रहे लेकिन ये बहुत जल्दी सब कुछ ठीक करेंगे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत चेंज होने वाली है, आप जो चाहते हो अपनी किस्मत से आपको वही मिलने वाला है इस तरह से, क्योंकि आपके पार्टनर खुद करेंगे, इनका भगवान के ऊपर अगर पहले भरोसा नहीं था ना तो इनका अभी भरोसा है इस तरह से, ठीक है। हम देखते हैं इस वक्त आपसे बात क्या करना चाहते हैं, ट्रू मैसेज दी यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर इनसे क्या बात करना चाहते हैं, यस द एम्परर का कार्ड यही शो करता है कि बहुत ज़्यादा रूड पर्सनालिटी है, हो सकता है कि किसी बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं, इनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन ये है कि ये जो भी करंट पे है अपने बलबूते पे है, इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाया है इस चेयर को पाने के लिए, इस पोजीशन को पाने के लिए, इस पोस्ट को हासिल करने के लिए, तो इनको जैसे कि अपने जॉब की ये जो भी करते हैं जॉब बिजनेस अपने सक्सेस के लिए उसको उनको उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इनकी प्रेस्टीज है दुनिया की नज़र में, उस प्रेस्टीज को ये कभी डाउन नहीं होने देना चाहते। तो हो सकता है कि आपको स्वीकार करना मतलब कि इनको दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, दुनिया जो बोलेगी वो बातें सुनने के लिए इनको जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब कि इनका हार्ट तो वैसे भी मजबूत है लेकिन इनको और ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा अंदर से, मतलब टूटना नहीं चाहिए, कोई मुझे एक शब्द भी बोले गलत वर्ड इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। हो सकता है कि आपसे शादी करने के बाद इनको कुछ ऐसे गलत लोगों से कुछ गलत बातें सुननी पड़ सकती है जो ये सुनने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं करंट पे, आपको यही बता रहे हैं कि वो आएंगे, अगर आपको इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं या बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये करंट में अपने फीलिंग्स पे जैसे कि इन्होंने पर्दा डाल दिया है, अपने आप को इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत बना लिया है, अपने फीलिंग्स को हाइड करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन चुके हैं। करंट पे ये बता रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि आपसे प्यार नहीं करते, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस करंट पे बताना नहीं चाहते क्योंकि बता के भी क्या करने वाले हो, कुछ होने वाला तो नहीं है। तो चैरिट का कार्ड यही शो करता है कि इनको पता है कि अगर करंट में आपको कुछ बोलते भी है तो फिर भी आप जो कि इस रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टीज है उन्हीं की बातें लेकर बैठ जाते हो, इनके मम्मी पापा भाई बहन या तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, इनका हस्बैंड वाइफ जो भी है, आप उन्हीं की बातें लेकर बैठ जाते हो जो कि आपको क्लैरिफाई कर करके आपको जस्टिफिकेशन दे दे के आपको प्रूफ कर करके थक जाते हैं कि आपको करंट में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि यस वो इस रिश्ते के ऊपर वर्क ज़रूर करेंगे, आप जो चाहते हो वो सब कुछ करेंगे, बस आप इनको थोड़ा सा टाइम दो, इस तरह की एनर्जी जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं करंट में। हम चेक करते हैं इस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या है, ट्रू मैसेज दी यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स की फीलिंग्स क्या है इनके पार्टनर के लिए, यस मैंने बोला ना आप जो चाहते हो ना इनको पता है, चेक करते हैं हम आप क्या चाहते हो, ट्रू मैसेज दी यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स आखिर इनसे चाहते क्या है, क्वीन ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पे, इतने ज़िद्दी क्यों बने हैं मेरे यूनिवर्स जिससे कि इनके पार्टनर इन्हीं से इतने डरते और एक्शन नहीं लेते हैं, क्या चाहते हैं मेरे यूनिवर्स इनसे, आप इनसे जैसे कि यस डेफिनेटली आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, शादी करना चाहते हो, आप जैसे कि थर्ड पार्टी को इस रिलेशनशिप से निकलवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज पे भरोसा ना करें, अगर इनके मम्मी पापा इनके बहुत ज़्यादा कान भरते तो उनकी बातों पे भरोसा ना करें, अगर आपसे प्यार करते तो आपके पास आ जाए, अपने इमोशंस बताएं आप इस तरह से चाहते हो, या तो फिर हमेशा के लिए आपको क्लैरिटी दे दे कि यस ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, मुझे नहीं आना है तेरे पास कभी भी, बस आपको यही है कुछ तो बता, क्लियर कर दे आपका इस तरह से, ठीक है। आप इनके कॉल मैसेज का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हो, शायद ये आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं इस तरह के एनर्जी से, ठीक है। तो हम आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, करंट में एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, ट्रू मैसेज देने इस वक्त मेरे रिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, एक ही कार्ड लेने वाले, ठीक है, क्या है एंजल गार्डन्स,
ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देगा या आपसे शादी नहीं करेगा, ये थर्ड पार्टी को नहीं निकलवाएगा, तो ये सब भूल जाओ। आपका प्यार सच्चा है, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और जो कि आपका लाइफ टाइम का प्यार है, ये कभी नहीं टूटेगा। आपके बच्चे भी होंगे, जिस तरह से यहाँ पे एक क्यूट सा बेबी है, सब कुछ ठीक होने वाला है आपके इस रिलेशनशिप में। ठीक है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहने की करंट में ज़रूरत है। तो यस, यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।